देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा की यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत दहेज न मिलने से नाराज पति रचा रहा था दूसरी शादी, तभी पुलिस ने आकर वह शादी रुकवा दी। यह मामला कादिराबाद निवासी स्वर्गीय बैजनाथ शाह की पुत्री चंदा देवी की है, जिसकी शादी भटियाड़ी सराय मोहल्ले के विक्रम शाह से बड़ी धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। लेकिन शादी के बाद ही चंदा देवी को ससुराल वाले के द्वारा दहेज न मिलने के कारण मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वहीं गुरुवार को 22 साल के लड़के और 18 साल की लड़की के पिता विक्रम शाह अपनी दूसरी शादी काली मंदिर परिसर में रचा रहे थे, तभी पहली पत्नी चंदा देवी के भाई ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर वहां मामला दर्ज करवा दिया। फिर थाने की पुलिस ने बीच में शादी रोककर दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिस लड़की की दूसरी शादी हो रही थी, उस लड़की के परिजन का कहना है कि विक्रम शाह ने अपनी पहली शादी के बारे में उन लोगों से नहीं बताया था। अगर इस मामले के बारे में उन लोगों को थोड़ी भी भनक होती तो यह शादी उनके परिवार वाले विक्रम शाह से नहीं करवाते। शादी उनका 1997 में हुआ था। किससे? विक्रम जी से, भटियारी सराय महावीर सराय इनके पिताजी है। अच्छा। बार बार झगड़ा, घर का विवाद, आपकी विवाद बार बार होता, बार बार। कौन है तुम्हारे, कौन लगते हैं? जीजा लगेंगे। बोनो लगते हैं? हाँ, तुम्हारी बहन से शादी हुई थी? हाँ, क्या नाम है बहन का? चंदा। अच्छा। बार बार विवाद हो जाता है इस प्रकरण में। एक बैठ करके पंचायती भी बना, पेपर भी बना कि विक्रम जी शादी दोबारा नहीं करेंगे, करते हैं तो पेपर है मेरे पास। उसके बाद पेपर बना, उसके बाद पिछले साल फिर बात विवाद हुआ था 22 में, पिछले साल फरवरी महीना में, जो कि हमारा भाई की आसन जाने बुझाने के लिए। हाँ। तो उसके साथ मोहल्ला वाला मुझे मारपीट किया, सर को फाड़ दिया, 13 टाका पड़ा, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती थी, कोतवाली कोर्ट में केस हुआ, केस प्रकरण चला। उसके बाद ये नहीं बोला आज शादी किया हुआ तो बच्चा एक 20 बरस के, एक 18 बरस के, नहीं बताया हमको, नहीं कोई बोला। काय का पुता है? दो लड़का लड़की? लड़का है, एक लड़की है। कितने वर्ष का है? लड़का होगा करीब 10 बरस के। वही लमसम कहाँ का बोले बोलिए लमसम 22 बरस का। लड़की? लड़की जो है 15-16 बरस का। लड़की 15-16। कहाँ शादी किए थे बेटा का? कदराबाद। कदराबाद किन के लड़की से शादी किए थे? मधुबनी से। कदराबाद हुआ था, बेचारे मर गए हैं। अच्छा, भुला गए। लड़का का डिवोर्स भेले है? डिवोर्स हमारे पास दिक्कत है। चुपिए ना, बोलिए। 17 साल बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट, गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन।
मुस्लिम समुदाय का ईद के बाद सबसे बड़ा दूसरा पर्व ईद उल अजहा बकरीद माना जाता है। लोग खुशी खुशी इसे मिलजुल कर मनाते हैं। बकरीद पर सुबह सवेरे तैयार होकर सबसे पहले ईदगाहों एवं मस्जिदों में नमाज बकरीद अदा करते हैं। उसके बाद लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर नमाज से पूर्व बारिश होने के कारण कई जगह खुले में या ईदगाह की जगह लोगों ने मस्जिदों में नमाज ईद उल अजहा अदा की। विशेष रूप से बच्चों के चेहरे पर बकरीद की खुशी झलक रही थी। सभी नमाज के खत्म होने के बाद एक दूसरे से गले लगकर एवं बकरीद की मुबारकबाद दे रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस बार बकरीद का पर्व मनाया है और बकरीद क्या है, वह पर्व बकरीद की क्या अहमियत है और हमें इसे कैसे मनाना चाहिए, यह सारी बातें उन्होंने बताई। बकरीद 3 दिन सिर्फ जानवरों की कुर्बानी देने का ही पर्व नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों और नासमझी नफरत जलन जैसी बुराइयों को खत्म करने का होता है। नफरत बुराई जलन की कुर्बानी का नाम ही बकरीद है। बकरीद के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद मुस्ताक अहमद ने कहा कि बकरीद का पर्व खास इसलिए भी हो जाता है कि इसी महीने में हज की अदायगी पूरे दुनिया के लोग मक्का पहुंचकर हज पूरा करते हैं। यह पर्व अल्लाह के लिए अपने बंदों का पूरा समर्पण को दर्शाता है। पूरी दुनिया में अमन चैन बनी रहे इसके लिए अल्लाह के सामने सजदा कर दुआ करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्ला ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर रहमत की बारिश हुई है। ज्यादातर लोगों ने इस बार मस्जिदों में नमाज अदा किया। लहरिसराय स्थित बाकरगंज जामा मस्जिद, इस्माइलगंज ईदगाह, दरभंगा टावर चौक जामा मस्जिद, किला घाट शाही जामा मस्जिद, खानका समरकंदिया बेता बड़ी मस्जिद, DMCH आउटडोर मस्जिद, दुमदुमा जामा मस्जिद, करमगंज बड़ी मस्जिद, छोटी काजीपुरा करमगंज मस्जिद, बीबी वलायत मस्जिद, अलपट्टी रोड मस्जिद, कादिराबाद लाल मस्जिद, रुहेलागंज पीली मस्जिद, मिश्रीगंज मस्जिद, जगड़ोवा मस्जिद सहित अन्य जगहों की मस्जिदों पर ईदगाहों में नमाज अदा किया गया।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संरक्षण व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे जी ने हम की गठित नई कार्यकारिणी की बैठक में हम नेता और दरभंगा निवासी आर के दत्ता को दूसरी बार हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए खुशी व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं आर के दत्ता ने कहा, नया विचार नया बिहार, जय हम, जय भीम, जय जीतन राम मांझी, जय संतोष सुमन, आगे संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत कर गरीबों को सताए हुए लोगों के न्याय हक अधिकार के लिए हम पार्टी आवाज बनी रहेगी। बधाई देने वालों में कारीगामी हीरालाल राम, हीरा गुप्ता, संतोष सिन्हा, एम एन हुसैन, नासिर हुसैन व अन्य शामिल थे। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।